फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ सेंचुरी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ट्रिप से आने के बाद का ही ब्लॉग है, और इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या किया, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और मेरे पैर में हेयर फॉलिकल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं और हमारे नॉर्थ में हिंदी में बोलते हैं, बाल तोड़ हो गया है, बहुत ही बुरी तरह सूज गया है, उसका सेशन भी आपको मिलेगा। मैं पता नहीं, पिछली बार बीमार हुई घूमने आने के बाद, ये सब हो गया, कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज से लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं। हो सकता है कुछ, वेरी गुड, फिनिश कर दिया आपने। हो सकता है कुछ कष्ट देने हो भगवान को, तो भगवान दे रहा है। बहुत ही मतलब पेन में पैर चल रहा है, राइट लेग मेरा, लेकिन हंस हंस के निकाल लेंगे। जो भी समस्याएं सामने आएंगी, मैं तो उसी हिसाब से जीती हूँ कि स्केटिंग कर अगर सकता हूँ। बोलो क्या पूछ रहे हो। मैं स्केटिंग कर सकता हूँ। करो स्केटिंग करो, फिर मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी। तो जब हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो भी भगवान द्वारा दी जाती हैं, और जब कुछ कष्ट मिल रहा है तो वो भी भगवान दे रहा है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। और मैं इससे पहले बीमार हुई थी, तब भी बहुत कष्ट हुआ था, और अभी पैर में तो आपको वो क्लिप मिलेगा, बहुत ही गंदा पेन हो रहा है, वो एकदम स्वेल हो गया है। एक दो बार तो उसको माइनर सी सर्जरी भी कर दी डॉक्टर ने, बट इट विल टेक टाइम, लेट सी। तो आप आज का ब्लॉग इन्जॉय करिए, और ये आपका ये जो मेरा लैग वाला, क्योंकि कल सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहेगी, तो घर पे रह के थोड़ी सी केयर भी हो जाएगी, स्कूल में थोड़ा चलना फिरना भी पड़ता है, तो यू शुड वॉच माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये था मेरी कुलीग का बर्थडे सेशन एंड द जिसका बर्थडे था वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो मैं उसके घर पे केक और आइसक्रीम लेके गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट लूँ, तो हमने उनके घर पर भी केक कटवाया और सेलिब्रेट किया। और दूसरा क्या था कि दूसरे मैम थे जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, वो भी इधर ही रह रहे हैं, तो उनके साथ भी एक सेशन कर लिया था। आज दो दो बर्थडे हैं, एक इनका है और इनका सर्जरी के बाद वाला। मैंने बोला, मैंने सब कुछ बोला, जाओ अब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो वाला श्री मैम काटेगी। क्या बोलना है इनके लिए? यार मेरे पैर में ना पूरा स्वेलिंग हो गया है, इसको मैं डॉक्टर के पास दिखाने जा रही हूँ। पैर में ना एक छोटी सी, जब मैं घूमने गई थी उससे पहले, एक छोटी सी ना फुंसी टाइप की हुई थी, फिर मुझे लगा फेस पे होती है तो यहाँ भी ऐसी हो गई होगी, पर ये स्वेल होता जा रहा है और इसमें बहुत पेन हो रहा है, पूरे ही लेग में पेन हो रहा है। तो आई थिंक आई शुड विजिट डॉक्टर, बेटर होगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो मैं भी दिखाने जा रही हूँ। अब भैंज घर में सो रहा है तो अब ऐजी नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर वो अकेला जगेगा तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं जा रही हूँ, बहुत पेन हो रहा है। फ्रेंड्स, अब है जी इतने अच्छे हैं, पीछे उन्होंने मेरे पसंद का खाना ऑर्डर कर लिया था ताकि मुझे कष्ट ना हो। कौन सी पार्टी हो रही है आज? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पार्टी। देखिए तो मेरा मोटा है, मेरे में ज्यादा ज्यादा नहीं, तुम्हें अभी सर्दी हुई है ना? डॉक्टर ने किया था ड्रेसिंग मेरे पैर का। फ्रेंड्स, मैं और अभ्यांश आ गए स्कूल से, और अभ्यांश अभी अपना रिफ्रेशमेंट ले रहा है, और कल हमने एक चॉकलेट
मेहता जो रह गया है तो मैं और अभ्यांश अभी करेंगे इसको एंजॉय एंजॉय एंजॉय। और इस स्थिति में मेरा लैग अभी चल रहा है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, बहुत गंदी कंडीशन है इस टाइम। इनके साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। कितना भी कष्ट हो लाइफ में उनको यूनू सहने की क्षमता रखिए, क्योंकि चीज़ लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी तो थोड़ी सी तो कष्ट आने ही हैं, थोड़ी सी बुरी चीज़ें भी आएंगी, तो हमें सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग।